नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ और सेशन को देख सकें और भी लोगों में शेयर कर सकें। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सब लोग। चलिए, ऐसा करते हैं, आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, अब क्या करते हैं, विचार पे चलते हैं। सब जुड़ गए होंगे भाई। चलिए, इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छी लाइन है भाई ये। इंसान सफल वास्तव में तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलने की कोशिश करता है या खुद को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि आप दुनिया को बदलना चाहें तो भी नहीं बदल सकते। इतनी बड़ी दुनिया है भाई, क्यों बदलना चाह रहे हो आप उसे? दुनिया जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। उन्हें जो इंसान जैसे में खुश है उसे वैसा ही रहने दो। खुद को बदलने की कोशिश करो। आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को बदलिए, अपनी आदत ऐसी बनाइए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए और अपनी सारी आदत ऐसी बनाइए कि अपने लक्ष्य को ही जाती हों वो। आप उस रास्ते पे खड़े हो जाइए जो सारे रास्ते अपने लक्ष्य पे ही जाएं। ऐसे रास्ते पे मत खड़े होना जहाँ से आपके लक्ष्य तक कोई रास्ता जाता ही ना हो, ठीक है? तो दुनिया की तरफ हमें नहीं देखना है। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों में बुराई निकालना, और सबसे कठिन काम है खुद में बुराई निकालना। तो आपको आसान काम नहीं करना है, दूसरों में बुराई आपको निकालनी नहीं है। आपको ये देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को आपको सुधारना है। जैसे कबीरदास जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इस बारे में, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले या को, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोय, हो रामा मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब है, मैं बुरा देखने के लिए पूरी दुनिया में घूम लिया लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपना दिल खोजा, अपनी तरफ देखा, तो सबसे बुरा मैं ही था। तो अपनी तरफ देखिए, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में पुरलिंग शब्द कौन सा है? भाई कौन सा पुरलिंग शब्द है ये आपको बताना है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा? पुरलिंग शब्द छांटना है, मतलब तीन तो स्त्रीलिंग है ही, एक ही पुरलिंग होगा। दया, दया की जाती है, दया आ जाती है किसी को देखकर, ठीक है? तो क्या स्त्रीलिंग है? निर्धनता, निर्धनता, हमारी तो निर्धनता जाती ही नहीं है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। दुर्घटना हो गई, दुर्घटना स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, ये पुरलिंग शब्द है भाई, बुढ़ापा। किसी भी मूल शब्द में, किसी भी भाववाचक संज्ञा में अंत में ना, आब, पन, वा या पा, ये सभी चीज़, ये सभी प्रत्यय लगे हों, ये सभी शब्द लगे हों, ना, आब, पन, वा या पा, तो वो पुरलिंग शब्द होते हैं, ठीक है? भाववाचक संज्ञा में ओनली। जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, ये सब क्या होते हैं? पुरलिंग शब्द होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रिया कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रिया कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? आयात कहलाती है, निर्यात कहलाती है, प्रेषण कहलाती है, वाहन कहलाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए, ला रहे हैं वस्तु को, क्या कर रहे हैं? दूसरे देश से ला रहे हैं वस्तु को, क्रिया करके ला रहे हैं, ये क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयात है ये, ठीक है?
खरीदना, क्रय का मतलब होता है खरीदना, खरीदना आयात में होता है और बेचना निर्यात में आता है। प्रेषण कहीं भेजना, ठीक है, किसी वस्तु को कहीं भेजना प्रेषण कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है को क्या कहते हैं? ऐसे लेख को क्या कहते हैं जिसमें समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है? आलेख कहते हैं, विशेष रिपोर्ट कहते हैं, संपादकीय कहते हैं या उल्टा पिरामिड कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं भाई? आलेख नहीं कहते हैं, विशेष रिपोर्ट नहीं कहते हैं, उल्टा पिरामिड नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संपादकीय कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा शब्द दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इम प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, इमा प्रत्यय है, मा प्रत्यय है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? मूल शब्द अरुण है भाई, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? जब अरुणिमा बनेगा इमा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, जैसे और भी शब्द हैं, नीलिमा, मधुरिमा, इनमें भी इमा प्रत्यय है, अरुणिमा शब्द में इमा प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कलश का पर्याय है, कलश का पर्याय क्या है? कलश का पर्यायवाची क्या है भाई? जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, कलश का पर्यायवाची क्या है? इनमें जल है, कुंभ है, पात्र है या उपस्कर है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कलश शब्द दिया हुआ है, जल, जल का पर्यायवाची तो नीर, पानी, वारी ये सब होते हैं। कुंभ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुंभ, घट, घड़ा या घगरा इन्हें ही कहते हैं, तो कलश भी तो इन्हें ही कहते हैं, कलश का पर्यायवाची कुंभ है। ठीक है, पात्र दो चीज़ों का पर्यायवाची, एक तो बर्तन को भी पात्र कहते हैं और एक अभिनेता को भी पात्र कहते हैं, कहते हैं ना उस नाटक का पात्र है वो। ठीक है, तो दो लोगों का पर्यायवाची है ये। उपस्कर सामान को कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा राजा का विलोम नहीं है? कौन सा राजा का विलोम नहीं है ये आपको बताना है भाई। रानी नहीं है, रंक नहीं है, सेना नहीं है, प्रजा नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, राजा का विलोम क्या नहीं है? ये प्रश्न पहले एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया करता था, लेकिन कुछ समय से दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है अब दिखाई दे जाए, इसलिए मैंने आज के सेशन में लिया है ये। जो प्रश्न बहुत दिन से दिखाई नहीं देते वो हमारे एग्जाम में अक्सर टपक जाते हैं, मैंने देखा है। जिन प्रश्नों को हम ये सोच के छोड़ देते हैं यार कभी देखा नहीं है एग्जाम में, वो हमारे एग्जाम में ज़रूर आता है। चलिए, राजा का रानी भी होता है भाई, रंक भी होता है और प्रजा भी होता है। क्या नहीं होता? सेना नहीं होता रानी का। राजा का जो पर्यायवाची है वो रानी भी होता है, रंक भी होता है और प्रजा भी होता है, सेना नहीं होता। ठीक है, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत से लोग प्रजा लगा देते हैं, राजा का प्रजा तो विलोम होता है भाई, सी नहीं होता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निशित का अर्थ है, भैया निश्चय नहीं है, क्या है? पीछे थै है, निशित। ठीक है, निशित का अर्थ है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, निशित किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए
आंसर ले लेते हैं क्या होगा। निशित जो है वो किसे कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। प्रातःकाल के समय को नहीं कहते निशित, संध्या के समय को नहीं कहते निशित, अर्धरात्रि के समय को कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है निशित अर्धरात्रि के समय को कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन को याद करना, या भूख लगना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत लोगों का गलत भी हुआ है। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा भाई। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ पूछा है हमसे, भूख लगना नहीं होगा, बचपन को याद करना नहीं होगा। बचपन को याद करोगे तुम कैसे याद कर लोगे छठी से? जब छोटा बच्चा होता है 6 दिन का, उसे उसकी क्या याद रहती है, याददाश्त रहती है कि हम जब 6 दिन के थे तो ऐसे थे, क्या याद करेगा उसको? पराजित होना नहीं होता है, बुरा हाल होना। छठी के दूध का मतलब है बुरा हाल होना। ठीक है, मतलब आप इतने छोटे थे कि आपको याददाश्त नहीं है, इतने बुरे हालत में हो आपके उस स्थिति को भी याद कर सकते हो जो जिसकी आपको याददाश्त नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कष्ट में होना, छठी का दूध याद आना, ठीक है, या बहुत बुरा हाल होना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? प्रश्न है हमारा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? निराला जी ने कहा है, प्रसाद जी ने कहा है, पंत जी ने कहा है, या महादेवी जी ने कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये बात बोली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा सागपात में कौन सा समास है? शब्द दिया है हमें सागपात, और इसमें हमें बताना है समास कौन सा है। अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान भी है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। सागपात, इसका पहले हम समास विग्रह करेंगे। हमारी भाषा में समास विग्रह को हम क्या कहते हैं? टांग तोड़ना। तो इसकी टांग तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे? साग और पात। ठीक है हाइफन लगा हुआ है, दोनों के अपने अर्थ भी हैं और बीच में और भी आ गया है। अब इतने सारे बहुत हैं, इतनी सब चीज़ें ये बताने के लिए कि इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संधि शब्द है, कैसा शब्द है भाई संधि? ये आपको बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? संधि, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। संधि तो रोज पढ़ते हैं, आज ये देख लेते हैं ये संधि हम पढ़ते हैं, ये है कैसा शब्द? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। संधि शब्द दिया हुआ है भाई, संधि। ठीक है, ये कैसा शब्द है? विदेशज नहीं है, देशज नहीं है, तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है संधि। ठीक है, इसका तद्भव जान लेते हैं हम, हो सकता है कि तद्भव भी हमसे पूछ ले। ये इसका तद्भव है सैंध। ठीक है, ये इसका तद्भव है। ठीक है, और इसे मतलब हिंदी भाषा में जोड़ना बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्न में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ऊषा, दिन, प्रभात या सवेरा, कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा भी है। चलिए, ऊषा है, दिन है, प्रभात है या सवेरा है, ये चार शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि भिन्न कौन सा है। चलिए, सवेरा, ठीक है, एक शब्द लिख लेते हैं हम सवेरा। ऊषा भी इसका ही पर्यायवाची है और प्रभात भी इसका ही पर्यायवाची है, दिन नहीं है ये। सवेरा और प्रभात और ऊषा, सुबह आपको पता है सुबह थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन दिन तो पूरा दिन होता है ना, शाम हो, दोपहर हो, सुबह हो, किसी भी टाइम का समय हो उसे हम क्या कहेंगे, दिन ही कहेंगे। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होती है सुबह, ठीक है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, तो इसलिए दिन सुबह का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, भिन्न अर्थ है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र के किस चीज़ के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया भाई, दान के लिए, शान के लिए, आन के लिए या बान के लिए। राष्ट्र की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, देश की किसके लिए भाई, दान के लिए अपना बलिदान नहीं देते हैं शहीद, दान नहीं करते हैं, शान में बलिदान नहीं देते हैं भाई, बहुत शान है हमारी, इसमें बलिदान दे दो अपना, शहीद हो जाओ, बहुत शान होगी, शान में नहीं देते हैं बलिदान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आन, ठीक है, देश की आन के लिए शहीद अपना बलिदान देते हैं, ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द दिया हुआ है और इसका विशेषण बताना है हमें कि यदि कभी ये पशु शब्द का हमें विशेषण प्रयोग करने में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता। क्या होगा पशु का विशेषण, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा, पशुता नहीं होगा, पशुपति नहीं होगा, पशुतव नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पाश्विक। पाश्विक एक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इसलिए इसे विशेषण में बोलते हैं, ठीक है, पाश्विक एक प्रवृत्ति होती है, कहते हैं ना यार ये तो पाश्विक प्रवृत्ति का है, पाश्विक लोग हैं ये, मतलब बिल्कुल पशु हैं। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। दो है, चौथा है, दोगुना है या चारों है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा, दो क्या है, दो तो गणना है, ठीक है, एक और दो क्या है, ये गणनावाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, ये क्रमवाचक है, ठीक है, एक गुना, दो गुना, चौगुना, ये क्या है, आवर्ती है, ठीक है, इसे आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती वाचक में आएगा ये, चौथा जो है ये क्रमवाचक में आएगा और दो गणनावाचक में आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चारों, चारों क्या है, ये समुदायवाचक में आएगा, ठीक है, आगे से आपको याद रखना है, चारों जो है ये समुदायवाचक में आएगा, चारों, पांचों, छहों, सातों, ये सब समुदायवाचक में आएगा। ताज कैसी संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताज कैसी संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है,
बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? शब्द दिया हुआ है तास, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये कैसी संज्ञा है, तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं तास, जाति तो है नहीं तास कोई, तो क्या है? समूहवाचक है। अब एक तास तो होता नहीं है, तास की तो पूरी गड्डी होती है, तो ये समूहवाचक में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। शब्द दिया है पावन, और पावन शब्द का संधि विच्छेद बताना है हमें, कैसे संधि विच्छेद होगा इस शब्द का। पाधन वन होगा, पौधन वन होगा, पौधन अन होगा, या पैधन वन होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, और जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, और आपको ये भी बताना है कि पावन शब्द में कौन सी संधि है। हो सकता है पहले भी मैंने ये प्रश्न करवाया हो, आपको बिल्कुल सही आंसर देना है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पौधन अन होगा। ठीक है, पावन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किसने की, ये आपको बताना है। मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने, राम कुमार वर्मा ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ये, कोणार्क नाटक। चलिए आंसर लेते हैं, मोहन राकेश ने नहीं किया भाई, भुवनेश्वर ने नहीं किया है, राम कुमार वर्मा ने भी नहीं किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जगदीश चंद्र माथुर ने किया कोणार्क नाटक की रचना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा कृत नहीं है? कौन सा नाटक ऐसा है इनमें जो मोहन राकेश द्वारा कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े, आधे अधूरे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छा है, एक ही प्रश्न से हम तीन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? लहरों के राजहंस, ये तो मोहन राकेश द्वारा कृत है भाई, अषाढ़ का एक दिन ये भी मोहन राकेश द्वारा कृत है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश द्वारा कृत है, क्या नहीं है? सी ऑप्शन हमारा, तांबे के कीड़े, ये मोहन राकेश द्वारा कृत नहीं है। ये किसके द्वारा रचित है ये आपको बता दूं, भुवनेश्वर द्वारा। ठीक है, तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की रचना है, मोहन राकेश की नहीं है। लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। कौन सा ऐसा सर्ग है साकेत महाकाव्य का जो सभी सर्गों में सबसे ज्यादा मार्मिक सर्ग है? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, ये पस्ट नहीं है भाई, सस्ट है। ठीक है, छठा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आंसर दीजिए, साकेत महाकाव्य में पूरे कितने सर्ग हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं एक जानकारी के लिए बात बता दूं, साकेत श्री राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, उर्मिला के बारे में वर्णन किया गया है पूरा। ठीक है, और नौवें सर्ग जो है, नौवां सर्ग वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्ग है और सबसे ज़्यादा मार्मिक सर्ग है। ठीक है, इसमें कितने सर्ग होते हैं भाई? 12 सर्ग होते हैं पूरे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।